सो हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी सीएस रैंक गेम के अंदर ग्रैंड मास्टर रैंक पे हूँ और मेरा स्टार देखिए 924 स्टार है और रैंकिंग की बात करें तो 196 रैंकिंग है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो ग्रैंड मास्टर रैंकिंग है ये कुछ ही देर में, कुछ घंटों में खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद जो है न्यू सीएस रैंक सीजन 24 आने वाला है और इसके बाद जो मेरा ग्रैंड मास्टर रैंक है वो ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप होने के बाद फिर से हमको सीएस रैंक गेम के अंदर रैंक पुश करना पड़ेगा। तो सेम ही सिचुएशन आपके साथ होने वाला है, आपका भी रैंक ड्रॉप हो जाएगा न्यू सीएस रैंक सीजन 24 आते ही। और आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा से गेम प्ले करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, बुइये करके फिर से सीएस रैंक गेम के अंदर रैंक पुश करना पड़ेगा। तो सीएस रैंक गेम के अंदर जो रैंक पुश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, जो कि आपके गेम प्ले के लिए एकदम परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपके गेम प्ले के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। आखिर मैं ये परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको बताने कैसे वाला हूं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए यहां पर कि फ्री फायर गेम में जितने भी प्लेयर गेम प्ले करते हैं उनका गेम प्ले तीन टाइप का होता है। पहला हो जाता है रस वाला, या बोल सकते हैं क्लोज रेंज का फाइट जो करते हैं, ठीक ना, एकदम क्लोज में घुस करके क्लोज रेंज का फाइट जो पसंद करते हैं, वो एक तरह का प्लेयर हो गया। और दूसरा तरह का जो प्लेयर होता है वो जो है ना, मतलब मिड रेंज से खेलना पसंद करते हैं, मिड रेंज से खेलते हैं या फिर बोल सकते हैं इनिमी को देख करके खेलते हैं या पिक एंड फायर टाइप का खेलते हैं, तो ये दूसरे टाइप का प्लेयर होता है, ठीक ना। और तीसरे टाइप का जो प्लेयर होता है जो कि सीएस रैंक गेम खेलता है, जो कि लॉन्ग रेंज से खेलना पसंद करते हैं, लॉन्ग रेंज वाला मतलब गेम प्ले करते हैं, लॉन्ग से एकदम डैमेज देते हैं, अपने फ्रेंड को कवर देते हैं और लॉन्ग से ही इनिमी को मारना पसंद करते हैं। तो सीएस रैंक गेम के अंदर जितना भी प्लेयर है इन्हीं तीन तरीका से गेम प्ले करता है, और मैं इन तीनों तरह के गेम प्ले के लिए, मतलब क्लोज रेंज का फाइट हो कि मिड रेंज का फाइट हो कि लॉन्ग रेंज का फाइट हो, तीनों तरह का गेम प्ले के लिए मैं तीन सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। तीनों ही तरह के गेम प्ले के लिए तीन बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। तो आपका गेम प्ले जिस एक तरह का होगा, मतलब क्लोज मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में जिस तरह का गेम प्ले होगा, वो वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आप जो है न्यू सीएस रैंक सीजन 24 में खेल सकते हैं और बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि क्लोज रेंज फाइट बोलिए या फिर रस करने के लिए होने वाला है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे कि रस करने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर कौन सा है। तो अभी जो फ्री फायर गेम के अंदर है, सीएस रैंक गेम के अंदर रस करने के लिए जो सबसे बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर है वो है तत्सुया कैरेक्टर। तत्सुया कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज्यादा गेम प्ले करता हूं और अभी रस करने के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो है ना, मतलब एक्टिव स्किल में, वो तत्सुया है। तो आप लोग भी तत्सुया का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कैरेक्टर की बात करें, रस करने के लिए बेस्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है तत्सुया कैरेक्टर। तो तत्सुया सबसे अच्छा है रस करने के लिए, तो मैं सजेस्ट करता हूं आप लोग भी तत्सुया कैरेक्टर का यूज करें रस करने के लिए, ठीक ना। तो यहां पर मैंने एक्टिव स्किल कैरेक्टर तो बता दिया कि ये वाला यूज करना है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो तीन पैसिव कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हमको यूज करना है वो कौन सा तीन पैसिव कैरेक्टर होने वाला है। तो सबसे पहला जो पैसिव कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है ओथो कैरेक्टर। तो देखिए ये जो ओथो कैरेक्टर है ना, ये रस करने वाले प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेरे बोलने पे नहीं जाइए, मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको दिखा देता हूं कि इस तरह ओथो कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है रसर के लिए। तो यहां देखिए ये सीएस रैंक गेम का फर्स्ट राउंड है और यहां पर देखिए मैं जैसे एक इनिमी को डाउन करता हूं, देखिए उस पे तो मार्क लगता है, साथ में दूसरा इनिमी जो इसके 20 मीटर के एरिया के अंदर है उसके ऊपर भी मार्क लग जाता है, उसका लोकेशन पता चल जाता है, मैंने डैमेज दिया, मेरे फ्रेंड ने उसको मार दिया, क्योंकि उसका लोकेशन जो हमको भी और हमारे फ्रेंड को भी पता चल जाता है, ठीक ना। इस तरह से ओथो कैरेक्टर जब आप रस करके किसी एक इनिमी को डाउन कीजिएगा, आप खुद डाउन हो जाइएगा तो अदर जितना भी इनिमी है सबका लोकेशन आपको पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपके फ्रेंड को भी पता चल जाएगा। तो इस रस करने में तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा क्योंकि इनिमी का लोकेशन आपको पता चल जाएगा। तो ओथो कैरेक्टर पहला हेल्प कर दिया, मतलब सबका लोकेशन बता दिया। और दूसरा जो हेल्प करता है ये बहुत ज्यादा बड़ा हेल्प है, क्या हेल्प है चलिए आप समझिए। तो यहां देखिए यहां पर जो ग्लू बॉल के पीछे है, ग्लू बॉल के पीछे इनिमी मतलब दूसरा इनिमी को रिवाइव दे रहा है। तो यहां देखिए मैं ग्लू बॉल को तोड़ता हूं और एक इनिमी को जैसे डाउन करता हूं, देखिए दूसरा इनिमी भागने का कोशिश कर रहा है लेकिन भाग ही नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि ओथो कैरेक्टर क्या करता है, एक को डाउन किया दूसरे के ऊपर भी मार्क लग गया और दूसरा का मूवमेंट स्पीड को 25% घटा दिया ओथो कैरेक्टर, और मूवमेंट स्पीड घटने के कारण जो इनिमी कवर में जाने का ट्राई कर रहा था वो जा ही नहीं पा रहा है, तो मैंने आप दूसरा एनिमी को भी बहुत इजीली मार दिया। तो मतलब ओथो कैरेक्टर इस तरह से हेल्प करेगा, जब आप रस करके एक एनिमी को डाउन कीजिएगा अदर सारे एनिमी के ऊपर मार्क लग जाएगा उसके 20 मीटर के एरिया में जो होगा, और मार्क जिस पे लगेगा वो उसका मूवमेंट स्पीड को भी 25% घटा देगा ओथो कैरेक्टर, जिससे कि मतलब उस पे रस करके दूसरा एनिमी को तीसरा एनिमी को मारना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो रसर के लिए ओथो कैरेक्टर बहुत ज्यादा
ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप प्रसार प्लेयर है तो फर्स्ट पेसिव कैरेक्टर के रूप में ओथो कैरेक्टर यूज करना ही करना है, नेसेसरी है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेकंड पेसिव कैरेक्टर में हम लोग को कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना लूना कैरेक्टर यूज करेंगे। तो लूना कैरेक्टर भी जो है ना रसर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो लूना कैरेक्टर क्या करता है ना, गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देता है जिससे कि आप इनिमी को जल्दी से मार सकते हैं। तो मतलब आप रस कीजिएगा तो आपका गन का रेट ऑफ फायर 8% बढ़ा रहेगा। 8% बहुत ज्यादा होता है। अगर रेट ऑफ फायर गन का बढ़ा हुआ रहेगा तो आप इनिमी को बहुत इजीली मार पाएंगे। तो मतलब हर फाइट में लूना कैरेक्टर आपका हेल्प करने वाला है क्योंकि लूना कैरेक्टर 8% आपका गन का रेट ऑफ फायर बढ़ा देगा। हालांकि लूना कैरेक्टर 15% मूवमेंट स्पीड भी बढ़ाता है लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आता है। मतलब ऑन पेपर देखिए, ऑन पेपर पे 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है लेकिन गेम में ज्यादा यूज नहीं आता है। लेकिन ये जो 8% रेट ऑफ फायर लूना कैरेक्टर बढ़ाता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक ना, खासतौर पर रसर प्लेयर के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सेकंड पेसिव कैरेक्टर में लूना कैरेक्टर यूज करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो लास्ट पेसिव कैरेक्टर है यहाँ पर हम लोग जो है एक डिफेंसिव पेसिव कैरेक्टर यूज करेंगे। या तो हम लोग इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग जस्टिन बीबर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं लास्ट पेसिव कैरेक्टर के रूप में, लेकिन डिफेंसिव पेसिव कैरेक्टर ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखिए रश करने के दौरान क्या होता है ना, अगर आप इनिमी को मारिए इनिमी भी दो आपको मारेगा। तो यहां पर रश करने में ना एक डिफेंसिव कैरेक्टर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और डिफेंसिव कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफेंसिव कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा वो है एंड्रू कैरेक्टर। तो आप एंड्रू का यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो एंड्रू के जगह पे जस्टिन बीबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड्रू जो है ना बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है। तो मैंने पहले बहुत सारा वीडियो में भी दिखा दिया है प्रैक्टिकली कि एंड्रू किस तरह सबसे बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है। इसलिए मैं यहां पर ज्यादा कुछ नहीं दिखाने वाला हूं, सिर्फ मैं आपको बता दिया कि आप एंड्रू कैरेक्टर यूज कीजिए, मतलब लास्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में, डिफेंसिव कैरेक्टर के रूप में। इसके बाद देखिए यहां पर मैं एक बोनस टिप्स आपको बता देता हूं कि यहां जो लूट आउट सेक्शन है यहां पर जो है ये वाला वेस्ट वाला जो लूट आउट है ये वाला लूट आउट सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये क्या करता है, एंड्रू कैरेक्टर का पावर को और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है क्योंकि ये जो आपको हर राउंड में वेस्ट लगभग दिला देता है। देखिए सेकंड राउंड होगा तो आपको एक लेवल का वेस्ट हेलमेट दिला देगा, थर्ड राउंड होगा तो उसमें भी वेस्ट दिला देगा। मतलब इस तरह से क्या करता है ना, ये एंड्रू कैरेक्टर के पावर को बूस्ट कर देता है ये वाला वेस्ट वाला लूट आउट। तो आप ये लूट आउट यूज कर सकते हैं। और पेट सेक्शन की बात करें तो पेट में रॉकी पेट यूज कीजिए ताकि एक्टिव स्किल कैरेक्टर जो हमारा तत्सुया है जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये रश करने के लिए एकदम बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तत्सुया के साथ ओथो, लूना और एंड्रू, ये मतलब रश करने के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आप खेलिए अगर आप रसर प्लेयर हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं जो कि उन प्लेयर के लिए होने वाला है जो कि मिड रेंज फाइट प्रिपेयर करते हैं। देखिए सिर्फ मिड रेंज नहीं, क्लोज रेंज फाइट भी करते हैं लेकिन वो रस नहीं करते हैं। वो मिड रेंज क्लोज रेंज फाइट करते हैं लेकिन रस नहीं करते हैं। तो उन प्लेयर के लिए ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है जो कि इनिमी को देख के खेलते हैं। और फ्री फायर गेम में ज्यादातर प्लेयर इसी टाइप का गेम प्ले करते हैं, इनिमी जैसे मूव करता है उस अनुसार गेम प्ले करते हैं। तो चलिए इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जान भी लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट करने की। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको कोई एक स्पेसिफिक एक्टिव स्किल कैरेक्टर लेने के लिए नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप कोई सा भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर ले सकते हैं जो कि आपके गेम प्ले को सूट करता है, मतलब आपको जो अच्छा लगता है। देखिए आप ओरियन ले सकते हैं, वुकोंग ले सकते हैं, तत्सुया ले सकते हैं, कोई भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर ले सकते हैं क्योंकि आप इनिमी के अकॉर्डिंग गेम प्ले करते हैं। तो वहां पर मतलब कोई सा भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर का जरूरत पड़ सकता है, वहां वुकोंग का भी जरूरत पड़ सकता है, ओरियन का भी पड़ सकता है, तत्सुया का भी पड़ सकता है, मतलब कोई भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर का जरूरत पड़ सकता है। तो मतलब आपके हाथ में जो एक्टिव स्किल कैरेक्टर बैठा हुआ है, ठीक ना, आप जिससे रेगुलर गेम प्ले करते हैं उसी एक्टिव स्किल कैरेक्टर को लेकर के मतलब यहां पर गेम प्ले करना है। ये जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपको मिड रेंज फाइट, क्लोज रेंज फाइट, इनिमी के अकॉर्डिंग फाइट करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पैसिव कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि जो तीन पैसिव कैरेक्टर यूज करना है कौन कौन सा करना है, ये मैं आपको कंफर्म बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पैसिव कैरेक्टर जो यूज करना है वो होने वाला है वुल्फरा कैरेक्टर। देखिए वुल्फरा कैरेक्टर का सीएस रैंक गेम में जो कि मतलब इनिमी को देख करके मिड रेंज से थोड़ा खेलते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि देखिए जो मिड रेंज से खेलते हैं वो ज्यादातर हेड मारते हैं इनिमी को। हेड मारते हैं तो हेड पे क्या होता है ना, वुल्फरा कैरेक्टर 30% डैमेज बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा डैमेज बढ़ा देता है। तो इनिमी जल्दी से मर जाता है, ठीक ना, एक ही गोली में मर जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्कार का एक एक गोली में इनिमी मर जा रहा है, ठीक ना, एक हेड लग रहा है इनिमी मर जा रहा है। और दूसरा देखिए वुल्फरा आपको मतलब सामने से भी प्रोटेक्ट करता है, सामने से अगर कोई इनिमी मारेगा तो अगर आपको हेडशॉट लग भी जाएगा तो बहुत कम हेडशॉट लगेगा, ठीक ना, मतलब जितना डैमेज पड़ना चाहिए तो उससे 30% कम डैमेज पड़ता है, मतलब 70% ही आपको डैमेज पड़ता है हेडशॉट के ऊपर। और हेडशॉट लगने से आपको पता है कि आप जल्दी से मर सकते हैं, इसलिए वुल्फरा जो है ना सीएस रैंक गेम में जो कि मतलब इनिमी को देख करके खेलते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए रश करते समय क्या होता है ना, ज्यादा हेड नहीं मार पाता ना आप
आप इनिमी को मार पाते हैं ना इनिमी आपको मार पाता है, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। लेकिन जब आप मिड रेंज में रहते हैं आप भी इनिमी को ज़्यादा हेड मारते हैं, इनिमी भी आपको ज़्यादा हेडशॉट मारने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पर वुल्फरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। इसलिए फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में जब आप मिड रेंज से खेलते हैं या फिर आप रश नहीं करते हैं तो आपके लिए वुल्फरा कैरेक्टर सबसे बेस्ट है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पैसिव कैरेक्टर को जानते हैं कि यहाँ कौन सा यूज करना है। तो यहाँ फिर से हम लोग सेकेंड पैसिव कैरेक्टर में लूना कैरेक्टर यूज करेंगे। तो लूना कैरेक्टर की एबिलिटी तो मैंने पहले थोड़ा डिस्क्राइब किया था कि लूना कैरेक्टर 8% गन का रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है। तो 8% गन का रेट ऑफ फायर बढ़ेगा तो गोली जल्दी जल्दी चलेगा और आप इनिमी को जल्दी मार सकते हैं। चाहे आप थोड़ा क्लोज चले जाइए तो वहां भी लूना कैरेक्टर हेल्प करेगा, मतलब जल्दी जल्दी गोली चलेगा, आप इनिमी को जल्दी मार सकते हैं। और थोड़ा अगर डिस्टेंस पे भी रहिएगा तो मतलब ज्यादा रेट ऑफ फायर रहेगा तो आप इनिमी को जल्दी मार सकते हैं। और ड्रैग का भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ट्रैक करके आप जल्दी हेडशॉट मार सकते हैं क्योंकि गन का रेट ऑफ फायर बढ़ा हुआ है। और 8% रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा हो जाता है, इन गेम बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है लूना कैरेक्टर यूज करने से, ठीक ना। और मैं ज्यादा यहां डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, तो आप सीधा सीधा सेकंड पैसिव कैरेक्टर में लूना कैरेक्टर यूज कर लीजिए, ठीक ना। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका गेम प्ले को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट पैसिव कैरेक्टर जो थर्ड पैसिव कैरेक्टर है इसके बारे में जानते हैं कि यहां पर हम लोग को कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो यहां पर भी हम लोग एक डिफेंसिव कैरेक्टर यूज करने वाले हैं। तो डिफेंसिव की जहां बात आती है तो यहां पर दो ही शब्द सबसे अच्छा है, जस्टिन बीबर हो गया और एंड्रू कैरेक्टर हो गया। तो आप इलाइट एंड्रू का यूज कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप जस्टिन बीबर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इलाइट एंड्रू को हमेशा प्रेफर करता हूं। साथ में सेम वही बात कि लूड आउट जो है ना, आप वेस्ट वाला लूड आउट ले लीजिए ताकि एंड्रू का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। और मतलब पैट की बात करें तो पैट में मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप ओरियन ले रहे हैं तब तो मतलब रॉकी पेट लेने का जरूरत नहीं है, आपको ईपी चाहिए तो आप ओट्रियो पेट ले सकते हैं। मतलब जो एक्टिव स्किल कैरेक्टर रहेगा उस अनुसार आप पैट ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो है ना पिछले वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा बेटर है, ठीक ना। इसमें क्या होता है ना, इनिमी को देख करके इनिमी के अनुसार आपको गेम प्ले करना होता है। और फ्री फायर गेम में ज्यादातर प्लेयर इसी तरह के होते हैं, वो ज्यादा रश नहीं करते हैं, बस वो क्लोज रेंज भी खेलते हैं मिड रेंज भी खेलते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है और मैं भी पर्सनली यही वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करता हूं क्योंकि मैं एक इनिमी के अकॉर्डिंग गेम प्ले करता हूं। तो ये था सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब एक्टिव स्किल कैरेक्टर के साथ वुल्फरा, उसके बाद लूना कैरेक्टर और लास्ट में एक डिफेंसिव कैरेक्टर इलाइट एंड्रू हो सकता है, ठीक ना। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था। अब जो है ना हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड और लास्ट जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो लॉन्ग रेंज फाइटर के लिए होने वाला है, जो कि लॉन्ग रेंज फाइट बहुत ज्यादा करते हैं और क्लोज रेंज फाइट भी उससे आप कर सकते हैं, ठीक ना। मैं जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा इससे आप क्लोज रेंज भी फाइट कर पाएंगे लेकिन लॉन्ग रेंज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जान लेते हैं। तो फिर से सबसे पहले तो हम लोग को एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहां पर जो है ना कोई सभी आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर लेके लॉन्ग रेंज फाइट कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पर जो तत्सुया हो गया और आलोक हो गया ये ज्यादा बेटर है लॉन्ग रेंज फाइट के लिए। कैसे, समझिए, तत्सुया और आलोक अगर आप यूज कीजिएगा तो ये आपका मूवमेंट स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा। तो आप स्पेसिफिक प्लेस जहां से आप लॉन्ग रेंज गन यूज करने वाले वहां पर आप जल्दी पहुंच सकते हैं और इनिमी को सरप्राइजली मार सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। तो मतलब स्पीड के लिए आप आलोक और तत्सुया का यूज कर सकते हैं, ये आपका हेल्प करेगा, ठीक ना, किसी स्पेसिफिक प्लेस या हाइट वाला प्लेस पे जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग रेंज खेल रहे हैं तो आप किसी ना किसी प्लेस पे जाके बैठिएगा फिर जाके इनिमी को मारिएगा। तो ये दोनों कैरेक्टर आपका हेल्प करने वाला है, तो आप ये दोनों का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अदर कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अगर आपको उससे ज्यादा बेनिफिट बुझा रहा है, जैसे कि दिमित्री हो गया या फिर अदर कोई हो गया, लेकिन आपको तत्सुया और आलोक ज्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर को जानते हैं। तो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर जो आपको यूज करना है वो होने वाला है मोको कैरेक्टर। तो मोको कैरेक्टर का एबिलिटी आपको पता है, जिस भी इनिमी को मारिएगा उसके ऊपर एक मार्क लग जाएगा, ठीक ना, और वो मार्क सारे फ्रेंड को आपको दिखेगा, आपको भी दिखेगा और आपके सारे फ्रेंड को भी दिखेगा, जिससे कि इनिमी का मतलब मूवमेंट का हम लोग को पता चल जाता है, आपको आपके फ्रेंड को पता चल जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप लॉन्ग रेंज से मार रहे हैं, एक ही गोली मारे उसके ऊपर मार्क लग जाएगा तो आसपास में जो फ्रेंड है उसको भी उस इनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा। तो इससे ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक ना, आप लॉन्ग रेंज में रह करके इनिमी का लोकेशन को भी मतलब अपने फ्रेंड को बता सकते हैं और साथ में साथ ये भी बता सकते हैं कि मैंने इस इनिमी को डैमेज दिया है, इसके ऊपर मार्क लगा हुआ है तो मैंने इसको बहुत ज्यादा डैमेज दिया, अब जाकर के इसको फिनिश करें। तो इस तरह मुको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है अगर आप लॉन्ग रेंज प्लेयर हैं, लॉन्ग रेंज से खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद जो आपको सेकंड पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वो होने वाला है मारो कैरेक्टर। देखिए मुको प्लस मारो जब आप एक साथ यूज कीजिएगा तो लॉन्ग रेंज में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक ना। साथ ही साथ मुको प्लस मारो से आप क्लोज रेंज में भी फाइट कर सकते हैं, ठीक ना, क्लोज रेंज फाइट में भी मुको प्लस मारो आपको हेल्प करेगा, ठीक ना। किस तरह करता है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि मुको प्लस मारो मतलब मुको तो हम लोग फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, इसके बाद जो सेकंड पैसिव कैरेक्टर में मारो यूज करेंगे इससे क्या क्या
बेनिफिट होने वाला है, चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो मारो करेक्टर की क्या एबिलिटी है कि जैसे जैसे रेंज बढ़ता है, इनिमी से आप जितना दूर रहिएगा उतना ज्यादा डैमेज देगा। कितना ज्यादा तक दे सकता है? 25% ज्यादा तक डैमेज दे सकता है, ठीक ना। मान के चलिए आप SKS का एक गोली मारते हैं तो उससे 100 का डैमेज दे रहा है इनिमी को, और अगर आप बहुत ज्यादा दूर से SKS से मार रहे हैं तो 100 से 25% ज्यादा डैमेज हो जाएगा, 125 का डैमेज पड़ेगा। मतलब समझ गए, मारो करेक्टर आप जितना ज्यादा इनिमी से दूर रहते हैं उतना ज्यादा मतलब डैमेज देता है। तो ये मारो करेक्टर की एबिलिटी है। और प्लस मुको के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो मारो करेक्टर की एक सेकेंड एबिलिटी है कि मार्क इनिमी जिसके ऊपर कोई मार्क लगा है, किसी भी तरह का मार्क लगा है, उसको 3.5% और एक्स्ट्रा डैमेज देता है, ठीक ना। तो मुको के साथ अगर मारो यूज कीजिएगा तो मुको पहला गोली मारिएगा तो मार्क लग जाएगा मुको का, उसके बाद अगर मारो का एबिलिटी यहाँ सेकेंड एबिलिटी एक्टिव हो जाएगा कि उसको और 3.5% ज्यादा डैमेज देगा। मतलब डैमेज तो ज्यादा देगा ही रेंज बढ़ने के कारण, उसके बाद देखिए मार्क इनिमी को भी और ज्यादा डैमेज देगा। मतलब मुको प्लस मारो यूज करने के बाद और भी ज्यादा डैमेज बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए मैंने बोला मुको प्लस मारो लॉन्ग रेंज में भी फाइट करता है और क्लोज रेंज में भी। मुको का मार्क के कारण क्या होगा कि इनिमी जिधर जिधर मूव करेगा आपको पता चलते रहेगा। मतलब पहला गोली मारे मार्क लगा तो इनिमी का मूवमेंट पता चलते रहेगा, उसके बाद अगर आप क्लोज रेंज में मारेंगे तो मारो का भी एबिलिटी सेकेंड एबिलिटी एक्टिव रहेगा क्योंकि वो मार्क की इनिमी है। तो मतलब वहां पर आप ज्यादा मार सकते हैं इनिमी को, क्लोज रेंज में भी मार सकते हैं। इसलिए लॉन्ग रेंज में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है मुको प्लस मारो, लेकिन क्लोज में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है इनिमी को, आप थोड़ा ज्यादा मार सकते हैं ज्यादा इजिली। तो इसके बाद जो आपको थर्ड पैसिव कैरेक्टर यूज करना है, यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, पहला तो क्या लूना कैरेक्टर और दूसरा ऑप्शन जो है वो है राफेल कैरेक्टर। देखिए लूना और राफेल इन दोनों में से कोई भी एक पैसिव कैरेक्टर को आपको थर्ड स्किल स्लॉट में यूज करना है, लास्ट स्किल स्लॉट में यूज करना है। देखिए कब कौन सा यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्नाइपर चलाते हैं तब तो 100% कोई भी शक नहीं है, वहां पर आपको राफेल कैरेक्टर ही यूज करना है। अगर आप मार्क्समैन गन चलाते हैं तो आप दोनों कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, राफेल भी यूज कर सकते हैं, लूना भी यूज कर सकते हैं। तो राफेल ज्यादा बेटर रहेगा, लूना थोड़ा कम बेटर रहेगा, ठीक ना। अगर आप AR गन से लॉन्ग रेंज फाइट करते हैं तब तो मतलब आपको लूना ही यूज करना है, ठीक ना। AR गन मतलब स्कार, AK, मतलब ये सब गन लेके बहुत बंदे लॉन्ग रेंज से खेलते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं वहां से खेलते हैं, तो वहां पर आपको लूना कैरेक्टर यूज करना है। क्योंकि लूना कैरेक्टर का एडवांटेज क्या होगा, लॉन्ग रेंज में रेट ऑफ फायर बढ़ेगा तो आप जल्दी इनिमी को मार पाएंगे, साथ ही साथ शॉर्ट रेंज में भी आप अच्छा फाइट कर पाएंगे, ठीक ना। तो मतलब आप समझ गए कब आपको राफेल यूज करना है, कब लूना यूज करना है। तो मतलब लूना या राफेल में से कोई एक कैरेक्टर को थर्ड और लास्ट पैसिव कैरेक्टर में यूज कर लेना। तो ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर, एक्टिव में तत्सुया या आलोक यूज कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर में मुको, दूसरा में मारो, और थर्ड और लास्ट में तो मैंने लूना और राफेल में से कोई एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेट और लूट आउट में आप अपने मर्जी से लगा सकते हैं जो लगाना है। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो है बेस्ट है लॉन्ग रेंज फाइटर के लिए जो कि लॉन्ग रेंज से खेलना पसंद करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर तीन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया, जो पहला था रसर प्लेयर के लिए बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज के लिए, और दूसरा था जो कि इनिमी के अनुसार गेम प्ले करते हैं, इनिमी के अकॉर्डिंग गेम प्ले करते हैं, मतलब मिड रेंज से थोड़ा खेलते हैं उनके लिए था, और तीसरा लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो लॉन्ग रेंज से खेलना पसंद करते हैं, जो लॉन्ग रेंज से खेलते हैं, ठीक ना। तो आपका गेम प्ले जिस तरह का है, शॉर्ट रेंज का है, मिड रेंज का, लॉन्ग रेंज का, जिस तरह का गेम प्ले, उस अकॉर्डिंग से आप कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके आप गेम प्ले कीजिए। और ये तीनों ही बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है अपने अपने सेक्टर में, मिड रेंज, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज में, ठीक ना। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।